नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा 4 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनपद में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इटावा में भी कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम पर सपा के जिला अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा और भाजपा के 4 साल के विकास कार्यों को झूठा बताया। इटावा जिले में आज जिला अध्यक्ष सपा गोपाल यादव ने पेश कर रहा कि भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया। इस किताब में सपा सरकार में किए हुए कार्यों को भाजपा ने अपना बताया गया। गोपाल यादव ने कहा कि इटावा में ताका मार्डन तहसील जसवंत नगर मार्डन तहसील 2016 में सपा सरकार में बनाई गई थी। जिला अस्पताल में महिला अस्पताल, 100 बेड का निर्माण, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, काली वाहन मंदिर का सौंदर्यीकरण सपा सरकार में हुआ, लैंड सफारी, बस स्टैंड सौंदर्यीकरण, केंद्रीय स्कूल हेबर डिग्री कॉलेज, 100 बेड, 2 अस्पताल, 5 ITI, 10 विद्युत सब स्टेशन, 3 विद्युत केंद्र, 1100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 5 पुल, शहरी पेयजल योजना के तहत 18 पानी की ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण, ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 49 ओवरहेड वाटर टैंक जिले में बनाए गए। ये सब कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में किए थे और भी कार्य हैं जो नेताजी ने उन्हें भी अपना बताया है। पेशेटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, पिछले 4 साल में 19 मार्च 2017 को इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब से लेकर आज तक ये प्रदेश और हमारा जनपद इटावा 20 साल पीछे चले गए। एक भी नया काम नहीं हुआ, एक नए पैसे का काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं हुआ, विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं दिनों दिन। और अगर काम की बात की जाए, जो जैसा कि आपने अभी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक नए पैसे का काम न पूरे प्रदेश में किया, और मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, इटावा जनपद में एक भी नए पैसे का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार के समय में ट्रॉमा सेंटर बने, 200 बेड के हॉस्पिटल बने, CHC बनी 20, कई पुल बने बड़े बड़े, चंबल पे, यमुना पे, क्वारी पे, सिंध नदी पे, ITI बने, 5 ITI बने, स्टेडियम बने, लगभग 1100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। नगर पालिका द्वारा इटावा, बर्तना, ये सभी तीनों नगर पालिका और टाउन एरिया के द्वारा 500 से ज्यादा गलियों का निर्माण कराया गया। इन्होंने क्या किया? इनका अपना किया हुआ कोई भी काम हो तो आप हमें बताएं। आज इन्होंने ये बांटा है, ये अब आप ये बताइए, कालीवान आप लोग खुद बताइए किसकी सरकार में बना और किसने बनाया। ये लॉयन सफारी भी है, इसको अपना बताएंगे? लॉयन सफारी किसने बनाई? ये हेवरा डिग्री कॉलेज का है, ये किसने बनाया? ये आप बताओ, रेलवे स्टेशन और ये आपका इटावा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसने बनाया? अब हम आए यहाँ पर, ये सुमेर सिंह किला, इनकी सरकार में बना? हमारी सरकार में बना, बल्कि 2003 की सरकार में बना था, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे उस समय इसका उद्घाटन हो चुका था। ये मॉडल तहसील ताखा 2016 में इसका उद्घाटन हो चुका है, ये इन्होंने बता रखी है। ये मॉडल तहसील जसवंत नगर, ये इनकी सरकार में बनी? हमारी सरकार में बनी थी, हमारी सरकार के समय चालू भी हो गई। और कौन सी, सरकार में बना? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना। ये मॉडल तहसील ताखा भी ये अपनी बता रहे हैं, मॉडल तहसील जसवंत नगर ये अपनी बता रहे हैं। उसके बाद अगर इनके लिखे हुए कामों को भी पढ़े जो इन्होंने लिखे हैं, इनमें से एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, इनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जो नेताजी की सरकार में हुए, और बाकी काम जब माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय
ये काम कराए गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर इन कामों का अपना सिद्ध करते मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो जब चाहे जहाँ चाहे वैसे हमसे बहस कर ले। और आप लोग भी जानते हैं काम सपा का और किताब भाजपा की, ये तो ये करते ही, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कहते हैं, और अभी तक तो मुंह से झूठ बोलते थे, अब तो लिखा पढ़ी में भी झूठ बोलने लगे, डॉक्यूमेंटल झूठ। आप सब लोग यही कहे, आप बताइए जो जितनी बात मैंने कही कोई बात गलत कही क्या? सारे काम हमारी सरकार के समय के किए हुए हैं, कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। इस समय जब से ये सरकार आई, कोई बात हो, कोई भी चीज हो, आप समझिए दुर्भावना के तहत इस जनपद में काम किया जा रहा है। आज 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, लॉयन सफारी पूरी हो गई थी हमारी सरकार के समय में। 1 जून 2017 को इस प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉयन सफारी का उद्घाटन किया था, लेकिन वो सफारी फिर भी नहीं खोली गई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया 2 सितंबर को 2019 को, तब 24 नवंबर 2019 को इस प्रदेश के वन मंत्री ने फिर से इस सफारी का उद्घाटन किया, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 24 नवंबर 2019 को इस अटारा सफारी पार्क का उद्घाटन हो गया था, पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं, कई देशों के लोग आते हैं, आप लोगों ने कवरेज किया उसका, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लगे हुए जनपदों के, भिंड, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी तक के लोग आते हैं यहाँ पे, सारे मानक हमारी सफारी पूरा कर रही है लॉयन सफारी खोले जाने के। 18 शेर हैं जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है, CZI का लाइसेंस बन मिल चुका है। उसके बाद भी आज 4 साल बीतने के बाद भी लॉयन सफारी को आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। क्यों? क्योंकि इस सफारी का मुख्य आकर्षण शेर है। जब पर्यटक यहाँ आता है और उसे शेर देखने को नहीं मिलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं निराशा होती है। जिस दिन इन शेरों को भी आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट लॉयन सफारी में आएंगे, और जब वो आएंगे तो पूछेंगे कि इसको किसने बनवाया, जब पता चलेगा कि अखिलेश यादव जी ने इसको बनवाया है तो लोग उनके विजन की तारीफ करेंगे, उनके काम की तारीफ करेंगे, सिर्फ इसी डर से कि अखिलेश यादव की तारीफ होगी। ये सरकार दुर्भावना के तहत लॉयन सफारी को नहीं खोल रही है, एक लॉयन सफारी नहीं, आप सभी लोग यहीं के रहने वाले हो, कंदेसी घाट पे जमुना नदी पे जो पुल बन रहा था, हमारी सरकार जब थी लगभग 80-85% पुल का काम पूरा हो चुका था, हो गया था। आज 4 साल बीतने के बाद 15% काम को पूरा नहीं करा पाए ये लोग। महुआ सूड़ा पे चंबल नदी के पुल पे 85% काम पूरा हो गया था, आज 4 साल बीतने के बाद भी पुल पूरा नहीं हो पाया। ये आधुनिक जेल, मॉडर्न जेल जो भोला में बन रही है, पूरे प्रदेश की सबसे अच्छी जेल बन रही थी, इसका भी लगभग 90% काम पूरा हो चुका था, थोड़ा सा काम बचा है, वो काम भी आज तक इस सरकार ने पूरा नहीं किया 4 साल में। क्या ये विकास की बातें करेंगे? ये लोग विकास को रोकने वाले लोग हैं, विकास को करने वाले लोग नहीं है। जबकि कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, कई बार सरकारें रिपीट करती हैं, कई बार सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन अगर सरकार बदल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली सरकार द्वारा किए गए कामों को जो अगली सरकार आए उन कामों को रोक दे, या पिछली सरकार द्वारा किए गए कामों का रखरखाव न करे। आपके यहाँ साइकिल ट्रैक बना हुआ है, कितनी शानदार योजना थी, इटावा लॉयन सफारी पार्क से लेकर आगरा ताजमहल तक ये साइकिल ट्रैक बना हुआ है, ये सरकार उसको संरक्षित भी नहीं कर पाई। आज आप साइकिल ट्रैक की दुर्दशा देख ले जाके, आज के दौर में जब पेट्रोल डीजल इतने महंगे हैं, लोग पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे अपनी मोटरसाइकिल में, अगर वो कुछ समय साइकिल चला लेंगे तो उससे कितने लाभ होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक रहेगी, पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा, लेकिन ये आपका साइकिल ट्रैक भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार जब थी तो नहरों के रिन्यूअल की बात हुई थी, नहरों के नवीनीकरण की, अगर वो नहरें नवीनीकरण हो जाता इस सरकार के रहते तो कम से कम 25-50 लाख की आबादी को, किसानों को उससे लाभ मिलता, उनको खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी अच्छे से पहुंचने लगता। लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो काम हमारी सरकार के समय में पूरे नहीं हो पाए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, उन कामों को भी रोक दिया, आज तक पूरा नहीं कर पाए। बताइए 4 साल पर्याप्त नहीं है किसी थोड़े थोड़े काम जो रह गए थे उनको करने के लिए? तो अगर ये दुर्भावना ना कहे, इटावा के लिए पक्षपात ना कहे तो क्या कहे? और एक बात आप लोग देख लेना जाके, जो आपको शायद किसी को नहीं पता होगी,
जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 6 पैकेज में बन रहा है, चित्रकूट से बांदा, बांदा से ये आपका ललितपुर, वहां से जालौन, जालौन से औरैया, और फिर औरैया के एक हिस्से से जो यहाँ के हमारे कुदरौल तक आके खत्म हो गया। उन पांचों पैकेज में तो सड़क के एक तरफ की चौड़ाई है 11.5 मीटर, और जो हमारा वाला पैकेज है यहाँ के उसकी सड़क की चौड़ाई भी एक तरफ की कम कर दी 10.8 मीटर, एक तरफ, दूसरी तरफ भी 10.8 मीटर, यानी दोनों तरफ मिला के 1 मीटर 40 सेंटीमीटर चौड़ाई कम कर दी, लेकिन इसका भुगतान उतना ही हुआ है जितना पिछले पांचों पैकेजों में हुआ है। तो अगर आप नीचे मट्टी से लेके ऊपर डामरीकरण तक का खर्चा जोड़ेंगे तो इसमें एक बड़ा घोटाला भी हुआ, चलो ये भी जांच का विषय है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश की बात हो या हमारे इटावा जनपद की बात हो, इस सरकार ने कामों को रोकने का काम किया है, विकास को रोकने का काम किया है, एक नया काम अपना नहीं किया। इसमें इन्होंने लिखा भूमाफियाओं का, भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई। कौन है भूमाफिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जे नहीं कर रहे? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का हमने प्रेस करके बताया था, क्या वो सही बना है जो आवास विकास में बना रहे? भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अलग कब्जे करने में व्यस्त है, हमारी सदर विधायक के परिवारी जनों के नाम रोज सुनने में आ जाते हैं कब्जों में, जमीन के कब्जों में। तो कौन कब्जे कर रहे हैं लोग, उन पर कब्जे हुए? बात करते हैं कार्रवाई की। आप पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा कर लें, क्या आम जनता पीड़ित नहीं है पुलिस से? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए। अपराधी अगर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं तो ये अपराध हो कहां से रहे हैं? रोज अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। अपराधी प्रदेश छोड़ के नहीं भाग गए, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, वो लोग अपराध में व्यस्त है, और निर्दोष लोगों को जबरदस्ती अपराधी बता के, मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दूं। एक लड़का है दयाशंकर, मेरे गांव का रहने वाला है, उस पर एक मुकदमा लिखा है 323-354 का। बहुत गरीब लड़का है, उसके पिता विकलांग है, ट्राईसाइकिल पे चलते हैं। उसका एक भाई है, उसको कैंसर हो रखा है, आज रात में उसका ये फूट गया, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का मेहमान है, बहुत खराब स्थिति, अकेला वही कमाने खाने वाला। उसके ऊपर एक 323-354 का मुकदमा कभी लिख गया था, उसे पता भी नहीं था, पता उसे तब पता चला कि केवल एक मुकदमे के आधार पर उसे जिला बदर कर दिया गया। जो एक लड़का घर में कमाने वाला था उस पर मुकदमा लिख के एक मुकदमे पे जिला बदर, और जिन लोगों पर 20-50 मुकदमे हैं वो सब घूम रहे हैं आराम से। तो कैसे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए? देखिए।